देखो एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पे। खेती कानून रद्द हो गए ने पर बावजूद इस दे किसानी आंदोलन जारी है, जिस दे सवाल बीजेपी लीडर खड़े कर रहे ने। हरियाणा दे गृह मंत्री अनिल विज ने सवाल खड़े कीते ने कि आंदोलन खत्म हो जाना चाहिदा सी, पर क्योंकि किसान आंदोलन दे पिछे कुछ ताकतां काम कर रही ने इसलिए आंदोलन अजे भी जारी है। 19 नवंबर नू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों ऐलान कीता गया सी कि खेती कानून रद्द होणगे। 2 दिसंबर नू राष्ट्रपति दे वल्लों मोहर लाई गई ते खेती कानून रद्द हो गए, पर आंदोलन अजे भी जारी है। किसानां दे वल्लों 6 मंगां वाली चिट्ठी प्रधानमंत्री नू भेजी गई है ते हुण बीजेपी लीडर ने जो उह सवाल खड़े कर रहे ने कि आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा, हालांकि मंगां ते चर्चा होएगी ते जल्द ही इसका हल निकलेगा, इस दी आस भी अनिल विज ने जताई है। उन्होंने यही कहा कि जब 3 कानून वापस हो जाएंगे हम घर चले जाएंगे, और मोदी जी ने स्वस्थ लोकतंत्र का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करते हुए गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के प्रातः उन्होंने स्वयं अनाउंस कर दिया कि 3 बिल वापस हो गए। तो उस दिन इनको भंगड़े पाते हुए, ढोल बजाते हुए, जलेबियां खाते हुए अपने अपने घरों को वापस चला जाना चाहिए था, लेकिन इनके पीछे कुछ ताकतें थी जो इस खेल को खराब करके रखना चाहती। अब इन्होंने कुछ मांगे रखी थी, इन्होंने कमेटी बनाओ, सरकार ने कमेटी बना दी है, इन्होंने 5 आदमी अपने दे दिए हैं, सरकार तुरंत कमेटी बनाकर उस पर कार्रवाई करेगी। कुल मिला के है, लगता है ऐसा है कि अब ये मामला सारा समाधान की ओर बढ़ा।